लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार का भोंपू थम गया है, अब इंतजार केवल और केवल परिणामों का होगा। लेकिन परिणामों से पहले कई ऐसी चीजें हैं जो देश जानना चाहता है। चुनाव के पीछे की क्या है असल तस्वीर? देश का चुनाव क्या इस बार अपने मिजाज के जरिए कुछ अलग संदेश दे रहा है? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि किस नेता की इस चुनाव में किस्मत चमकने वाली है और किसने अपने विकास के वादों को भुनाने का प्रयास किया है। कौन है जो छुपा रुस्तम निकल रहा है, वही कौन है जो देख रहा है कि इन चुनावी संभावनाओं के आगे भी 2029 का चुनाव है। देश की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अविनाश कल्ला जी, स्वागत है सर आपका। शुक्रिया अंकित। सिलसिलेवार वैसे तो आपसे चर्चा हमेशा आनंददायी रहती है, लेकिन सिलसिलेवार चर्चा की बात करें तो देश और कहें कि विश्व के लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव भारत के देश का चुनाव है। 543 सीटें लगने में एक आंकड़े के तौर पर है, लेकिन ये उस लोकतंत्र की नब्ज है जिसे पहचान पाना और इस लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए मूल्यों के साथ चलाना आज भी चुनौती से कम नहीं है। और यही है कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र दोनों ही इस चुनाव में चर्चा का विषय रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, लोकसभा चुनाव का क्या है असली नरेटिव? अंकित जी, इस बार शायद देश ने सबसे लंबा चुनाव देखा है और 7 चरणों में चुनाव हुआ। गौर करने लायक बात यह है कि इस बार चुनाव में कोई भी एक तय नरेटिव नहीं था। हमने जो पिछले 2 चुनाव देखे उसमें आप देखिए किस तरह से एक नरेटिव था जी। जब 14 में प्रधानमंत्री मोदी इनकम्बेंट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सामने चुनाव लड़ रहे थे तो था कि एक मौन रहने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, क्या कमजोर प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, सब कुछ ही गुजरात मॉडल को आगे रख के उसको सुपर इम्पोज किया गया। 19 में हमने देखा राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन इस बार बहुत ही सरप्राइजिंग रहा कि हालांकि जो सत्ताधारी दल है उनको उम्मीद थी कि जो पूरा राम मंदिर नरेटिव 370 और वो तमाम जो मुद्दे वो राष्ट्रवादी अपने एजेंडे को दिखाना चाह रहे थे वो हावी रहेंगे। लेकिन इस चुनाव की सबसे खूबसूरत बात ये रही कि फेज दर फेज मुद्दे बदलते रहे, गोल पोस्ट बदलते रहे और एक तरह से कई जगह तो ये भी देखने लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी स्ट्रांग रहती है नरेटिव सेट करने में, इस चुनाव में वो कई जगहों पर नैरेटिव का जवाब देती नजर आई जी। तो ये चाहे सबसे बड़ा नैरेटिव 400 पार का ही हो, अब 400 पार की तो उन्होंने पहले राउंड के बाद ही एग्जिट हो गई थी जी। अगर हम देखें कि जिस तरह से पहले 2 जो फेज थे उसके बाद जो चेंज हुआ वो कहीं से 400 पार सुनने में नहीं मिला। और आप एक देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग रहेगा, राजस्थान एक बहुत ही क्रिटिकल इस चुनाव में देखा जाएगा कि जो यहाँ से चेंज और वेव दिखी कि जिस तरह 2 बार से 25-0 इस प्रदेश में होता आ रहा है, इस बार जैसे ही पहले फेज का चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी जो बिल्कुल अपने अपने अंतर्कलह से और डिवाइडेड सी दिख रही थी, वहां से भी एक बड़ी फाइट की बात आने लगी और वहां से बदलाव आना शुरू किया। और इस बार लग रहा है कि राजस्थान में आंकड़ा 25-0 तो कोई भी नहीं बोल रहा, भाजपा का सबसे कट्टर समर्थक भी नहीं कह रहा। अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया कि राजस्थान में कुछ सीटें जा सकती है। तो उसके बाद से यहाँ पे आप देखिए हर फेज में चुनाव के मुद्दे बदले हैं और प्रधानमंत्री की तत्परता देखिए आप कि वो ढूंढते रहे कि कहाँ जाएगा। अभी तक तो कांग्रेस वार करती थी अडानी अंबानी की सरकार, इस बार ये कहना पड़ गया कि अडानी अंबानी ने टेम्पो में डाले, तो जनता खुद कंफ्यूज है कि करीब करीब 2.25 महीने चला ये चुनावी समर लेकिन कोई एक नैरेटिव नहीं जी। एक सबसे बड़े चेहरे की भी बात कर लेते हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने हर किरदार ने इस चुनाव में अपनी भूमिका को सार्थक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कितनी असरदार रही, ये वजह इसीलिए भी है कि पूरी बीजेपी का चुनाव मोदी की गारंटी मोदी के चेहरे पर रहा। इवन कमल का फूल भी इस चुनाव में नरेंद्र मोदी से ऊपर नहीं जा पाया, ऐसा समर्थक भी कहते हैं, जनता भी कहती है और विज्ञापन जो भी जारी किए उनमें भी दिख रहा था।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी का पिछले दो लोकसभा चुनाव से ट्रंप कार्ड रहे हैं। उनके इतर भाजपा में बहुत कुछ नहीं है, और आपने बहुत सही कहा कि सब कुछ मोदीमय रहा। आप देखिए, जब कुछ ही महीने पहले विधानसभा के चुनाव थे तो कहा कोई चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी चेहरों पे नहीं जाती, कमल ही हमारा निशान है। जी। उस कमल के ऊपर जितनी भी वो जीत लेके आए, वो सरकार में आए अवश्य, लेकिन चेहरे पे नहीं। और उसके बाद जो राजनीति हुई वो हमने सबने देखी है। लेकिन इस चुनाव में भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनके द्वारा किए गए काम हैं। अब वो कितने असरदार रहे अंकित, ये तो 4 तारीख को ही पता पड़ पाएगा। लेकिन अभी तक जितने रुझान आए उससे एक बात क्लियर रही कि उस चेहरे का आकर्षण अभी तक कुछ कम होने लगा है। क्योंकि आप देखिए, चुनाव में कई ऐसी बातें हुई, कई ऐसे गुफ्स हुए जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नहीं कहे जाते थे। आप सोशल मीडिया की भी अगर बात करें तो आप देखिए, अगर कोई पहले नैरेटिव होता था तो वो बीजेपी सेट करती थी। जी, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने अपने एरियाज में इसको लोकलाइज कर पाए। और आप हमारे यहाँ पे भी देख लीजिए कि कई जगह आपने भी ग्राउंड पे घूमे, वो सब कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से हमें कोई शिकवा नहीं है, मोदी तुझसे बैर नहीं वाला सीन अभी भी था। हाँ, मतलब इस बार, लेकिन इस बार खैर किसकी, वो देखने वाली। देखिए, आप ये देखिए कि दो चुनावों के बाद बड़े बड़े दिग्गज नामों को हमारे प्रदेश में अपने काम गिनाने जैसी स्थिति में आ गई और वो नहीं दे पाए। कई लोग तो रो भी गए प्रचार करते करते, मंत्री स्तर के लोग। जी, तो इस बार मोदी जी को भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से उनके जो सिपहसालार थे, जो अभी तक उनके नाम पे जीत के आए, इस बार जब उनको हैट्रिक में उनकी जरूरत है, वो कितने कारगर या असरदार रहे हैं। क्योंकि साथ में एक सीन ये भी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई भाषण मैंने सुने पहले भी, जब चुनाव नहीं था, उससे पहले संगठन की बैठक थी, उन्होंने कहा केवल मोदी का चेहरा आपको नहीं जिता सकता, आप भी जाइए, अपने फील्ड में उतरिए, गांव में जाइए, बात कीजिए लोगों से, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कीजिए, फॉलो कीजिए, तमाम चीजें उन्होंने कही। लेकिन जो नेता थे वो सोच रहे थे मोदी का नाम ही काफी है, इसीलिए ये सवाल भी आया कि क्या सच में मोदी का नाम इतना असरदार इस चुनाव में दिखेगा कि वोटिंग लाइन्स में जो लोग लग रहे थे वो उस प्रत्याशी को नहीं देखेंगे। हालांकि मुश्किल में है, आपने जिक्र भी किया, केवल और केवल मोदी के नाम पर वोट देकर आ जाएंगे तीसरी बार में। देखिए, हर चीज का एक टाइम आता है और राजनीति तो इतनी वोलेटाइल है कि हर हफ्ते बदलती है। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक करिश्मा चार्म है, 10 साल रहा, और आप वही देखिए, आपने उनके भाषणों की बात करी, उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से राजस्थान में ही किसी एक सभा में उन्होंने मंच पे जो भी भाजपा के दिग्गज थे उन सब की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरा आपसे निवेदन है कि आप फील्ड पे उतरिए। चुरू की बात है, आप सारे चुनाव देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने निवेदन, वो भी अपनी पार्टी के लोगों से, मंच पे तो शायद ही कहीं किया हो। तो ऐसे कमाल भी इनको राजस्थान में देखने को मिले। जी, एक और चेहरा है जिसने अपने आप को परिपक्व साबित किया है, गंभीर साबित किया है, बात राहुल गांधी की है। अभी तक पप्पू कह के सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन न्याय यात्रा के जरिए उन्होंने अपने आप को साबित किया और इस चुनाव में काफी गंभीर दिखे। टारगेट पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जो किया, जवाब देता सत्ता पक्ष को बेहद मुश्किल हुआ, बना नहीं उनके पास जवाब कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें किस तरीके से जनता के सामने उनका जवाब दिया जाए। बहुत सारी प्रेस वार्ताएं भी इसलिए स्थगित होनी पड़ी कि राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। क्या लगता है इस चुनाव में राहुल गांधी की पूरी छवि को लेकर, उनकी गंभीरता को लेकर, और इस चुनाव में राहुल गांधी क्या जिताऊ फैक्टर के तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए साबित होंगे? देखिए, परिणाम 4 को पता पड़ेगा कि राहुल गांधी का तीसरा अटेम्प्ट केंद्र के चुनावों पे कितना कारगर रहा। लेकिन हाँ, इस चुनाव में ये जरूर दिखा कि जिस तरह उनका माहौल उड़ाया जाता था या जिस तरह उनके ऊपर कटाक्ष किए जाते थे, राहुल गांधी ने अपने स्टैंड पे बिल्कुल कायम रहे और उनकी आवाज को इस बार एको हुआ। उन्होंने जो मुद्दे उठाए, और इस बार जो हम बात कर रहे थे नैरेटिव सेट की, तो कई बार उन्होंने कहा कि ये जो 400 पार की बात कर रही है इसलिए क्योंकि संविधान खतरे में है, आरक्षण और लोकलाइज मुद्दों पे उन्होंने उठाया और इसका ट्रैक्शन ग्राउंड पे दिखा। रिएक्शन इस तरह से भी रहा कि प्रधानमंत्री को खुद कहना पड़ गया कि अगर बाबा साहब भी आए तो परिवर्तन नहीं कर सकते। जो उन्होंने कहा कि
पिछड़ी जातियों का आरक्षण चला जाएगा, ये जिस तरह के भी मुद्दे उन्होंने उठाए। देखिए चुनावी सीजन है, लोग कई तरह की बातें करते हैं, सही या गलत बात में दिखती है, लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करी है। और अब अगर परिणाम उनके पक्ष में थोड़े भी आते हैं तो वो कांग्रेस में अपना एक जो उनकी पोजीशन थी, जो गार्ड और उनको लेके जो सीरियसनेस और बातें कही जा रही थी, वो उन्होंने सब परे कर दिए है और अब वो एक सक्षम चैलेंजर के तौर पे आ गए। आप देखिए वो कोई मौका नहीं छूट रहे, आपने बयान और उसका कहा कितना क्विकली वो रिएक्ट करते हैं। जब वो अदानी अंबानी वाला वीडियो आया, जो बयान आया, उस पर कुछ ही समय में उन्होंने वीडियो निकाला। नतीजा ये रहा कि उसके बाद आप देखिए 24 घंटे तक प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व था उनका कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल से जितनी मीडिया रिपोर्ट्स और चुनाव मैंने देखा है उस बयान के 24 घंटे बाद कोई रैली भी एड्रेस नहीं की। तो कई तरह के अंतर्द्वंद आए हैं और जवाब नहीं दे पाए। तो राहुल गांधी ने अपनी जो पोजिशन है एक सीरियस कंटेंडर के रूप में, उनको दो लोकसभा चुनाव तो लग गए लेकिन अब वो एज अ फ्रंट रनर दिख रहे हैं। तीसरे किरदार और हैं जिनका हमेशा जिक्र होता है, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। बात अमित शाह की है। अमित शाह का क्या रोल इस चुनाव और चुनाव के बाद आप देख रहे हैं, क्योंकि चर्चाएं बड़ी गर्म है। अरविंद केजरीवाल खुद जेल से बाहर आते ही उन्होंने जो सफूगा छोड़ा उत्तर प्रदेश और अमित शाह को लेकर, जवाब दिया अमित शाह ने, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर अब अमित शाह 2024 के चुनाव के बाद किस रोल में दिखाई दे सकते हैं? देखिए अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के सबसे मजबूत सिपहसालार हैं, वो एग्जीक्यूशन मैन कहे जाते हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर कंसीव करते हैं उन्हें वो अभी तक एग्जीक्यूट करते आए हैं। लेकिन इस चुनाव में हमने एक और रोल देखा उनका कि अमित शाह जो कि चुनावी रणनीतिकार है अब वो स्टॉक मार्केट के भी एक्सपर्ट से दिखते हैं। जी उन्होंने कहा कि आप तो इनमें निवेश कर दीजिए, 4 जून के बाद देखिए मार्केट चलेगा। तो ये हमें ये नहीं पता था कि वो चाणक्य के साथ साथ बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं, पर इस बार उनका वो अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं। देखिए गुजरात से आते हैं तो उनका प्रॉफिट लॉस का इक्वेशन अलग चलता है। बहरहाल आपके सवाल पे आते हैं तो ये अमित शाह के लिए भी एक टेस्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि एक और बात जो इस बार भारतीय जनता पार्टी में रही, जो हम आप चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बड़ा तबका पूरे भारतवर्ष में जो भाजपा के जो नेता हैं वो शीर्ष और बड़े नेता मानते हैं कि, या उनके मन में ये विचार था कि हमारी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रह गई है, वो एक जो दमन की भावना थी। तो इस पूरे चुनाव में ये देखने को मिला कि जो शत्रप है भाजपा के वो उतने चार्ज्ड अप नहीं है। चाहे हम हमारे प्रदेश में ही देखें, आपको कोई इतना बड़ा ओवर आर्चिंग फिगर नहीं दिखा और यही हाल सब जगह दिखा अमूमन। तो अमित शाह के लिए ये चैलेंज और बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर परिणाम उस तरह से नहीं आए तो प्राइम मिनिस्टर के आगे जो शील जो सारी ये चीजों का जवाब देती हुई आएगी या जो ढाल बन के खड़ी होगी वो अमित शाह होगी। पर इस बार उन्होंने भी कई जगहों पर अपना आपा खोया, वो चाणक्य के बाद अर्थशास्त्री बने, तो ये सब एक संकेत के तौर पे देख सकते हैं कि जो वो एम्बिशियस नंबर था शायद उसके आसपास आने में इस बार मुश्किल हो। थोड़ी सी चर्चा प्रियंका गांधी की भी बनती है। चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा लेकिन चुनावी रण में रही। इस बार चर्चा ये भी रही कि बीच चुनाव में छुट्टी पे भी गांधी परिवार के बच्चे नहीं गए। प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगी ऐसा उम्मीद थी, सीटें भी खाली थी अमेठी रायबरेली। एक सीट पर माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी आएंगी, दूसरी पर माना जा रहा था कि राहुल गांधी आ सकते हैं, और राहुल गांधी तो वायनाड में सुरक्षित भी थे। रायबरेली से माना जा रहा था कि अब सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी लेंगी, लेकिन उन्होंने पूरी मजबूती के साथ चुनावी प्रचार की कमान संभाली, ना कि फील्ड में उतर कर जीत के लिए। तो क्या माना जाए, प्रियंका गांधी अब 2029 के लिए बिल्कुल तैयार है और अनुभव पूरा ले लिया है, या इस चुनाव में उनके पीछे रहने की कोई पारिवारिक और अंदरूनी वजह है? देखिए वजह जो भी रही हो, वो तीनों जो कांग्रेस का ट्रायंगुलर आलाकमान है जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं, यही फैमिली डिसाइड करती है कि उन्हें क्या जाना है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद थी कि शायद वो रायबरेली से या अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि राजदीप के साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने को बहुत समय है, हम ये नहीं चाहते थे कि हम एक ही जगह सारा फोकस कर जाए और मैं पार्टी के लिए प्रचार कर पाऊँ। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, जिस तरह राहुल गांधी
ने अपनी एक सीरियसनेस दिखाई है। प्रियंका गांधी हमेशा से, पर उनका वो रहता है कि वो बहुत सीजनल रह जाती है, चुनाव तो चुनाव ही प्रचार करती है, वरना जिस तरह के भी शासकीय भाषण उन्होंने दिए हैं और इंटरव्यूज दिए हैं उससे वो काफी मच्योर दिखी हैं। और ये फैमिली का इंटरनल मैटर है कि वो उनको किस तरह पॉलिटिकली यूज करना चाह रही है। फिलहाल तो वो उन्हें कैंपेनर के तौर पे ही आगे किए हैं। अमेठी का चुनाव एक तरीके से चेहरा वाले अपने पे ही ले लिया है कि ये चुनाव हम ही लड़ रहे हैं जी। एक छोटी छोटी बात अन्य स्थानीय क्षेत्र की भी कर लेते हैं। तेजस्वी भी चर्चा में रहे, उनके बयान भी वो कह रहे थे कि बीमार हैं, लगातार दर्द से जूझ रहे हैं लेकिन चुनावी मैदान में हैं। साउथ के हिसाब से बात करें तो वहाँ भी नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अपने आप को ब्रांड बनाने की। अरविंद केजरीवाल न्यायिक प्रक्रिया से जेल से बाहर आ गए चुनाव प्रचार के लिए, तो इन तमाम क्षेत्रीय क्षेत्रक और यहाँ अखिलेश यादव को भी भूलना नहीं होगा। वहीं हरियाणा में अब चौटाला परिवार के चेहरों की बात कर लें या पूरे विश्नोई जो फैमिली है उसकी बात कर लें, यहाँ तमाम और हुड्डा के अब बेटे भी भावी चुनावों को देखते हुए हरियाणा में बिल्कुल इस बार तैनात मुद्रा में दिखे और चुनाव के परिणाम स्थानीय मोड पर ले आए। देश का चुनाव था लेकिन मुद्दे स्थानीय उन्होंने एंटर कर दिए। इससे क्या लग रहा है कि जो स्थानीय राजनीति पिछले 10 साल में थोड़ा पिछड़ने लगी थी, वापस से इस चुनाव के जरिए मुख्य धारा में आने की तैयारी में? मुख्य धारा में आने की तैयारी नहीं है। अगर अंकित जो हमने पहला ही प्रश्न किया था कि इस पूरे चुनाव का नैरेटिव क्या था, तो चुनाव हर जगह लोकलाइज्ड हो गया जी। आपने तेजस्वी की बात करी, वहाँ मुद्दे अलग है, वहाँ वो अकेली है। फिर आपने बात करी उत्तर प्रदेश की, फिर आपने बात करी हरियाणा की। अगर हम इन बातों में देखें तो उत्तर प्रदेश का अपवाद आप हटा दीजिए कि वहाँ पे एक सक्षम और खुद की एक बहुत अच्छी प्रेजेंस रखने वाला मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिल्कुल रडरलेस थी, तो चाहे तेजस्वी हो तो भी उनका सामना प्रधानमंत्री मोदी से है, चाहे यहाँ हुडा हो तो वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी ही है। सब कुछ हिंदी पट्टी में अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द ही बुना गया है, और यही इस चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। क्योंकि ये बात तय सी नजर आ रही है कि चाहे हम हिंदी पट्टी की अगर बात करें, राजस्थान देखिए 25-0 कोई नहीं कह रहा है यहाँ पे सीटें कम होगी, हरियाणा जहाँ उनकी क्लीन स्वीप थी वहाँ पे भी आंकड़ा कम होगा, मध्य प्रदेश में आंकड़ा बदल सकता है, छत्तीसगढ़ में बदल सकता है, पंजाब में इनकी स्थिति नहीं है। तो ये जो भी नुकसान होएगा, सारी नजरें हैं कि क्या उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा उनकी भरपाई कर पाते हैं या नहीं। अब आप देखिए स्थानीय तौर पे हमने अचानक देखा जैसे जैसे फेज पीछे जाने लगे, ओडिशा के जो आईएएस है वो फोरफ्रंट पे आने लगे। आप देखिए बीजेपी के टॉप ब्रास और प्राइम मिनिस्टर को एक एक लोकलाइज फैक्टर से लड़ना पड़ रहा है, और अगर लोकल सेंटिमेंट वो जगह पाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गए।